आपके माध्यम से कि सिर्फ एक दिन नहीं 365 दिन बच्चों के साथ गौशाला में ज्वाइंट होके आज आप माहौल देख रहे हैं कि गौशाला का कितने लोग आए हैं, आप वो भी देखिए कितने लोग कितने आज आ रहे हैं, तो लोगों में जागरूकता तो आ रही है। थैंक्स, आभार मैं मानता हूँ मीडिया जगत का जिन्होंने यहाँ तक गौ हॉग डे पहुँचाया है, आभार। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब गौ हॉग डे हम कहते हैं कि हम मनाने जा रहे हैं, इसको सेलिब्रेट गौशाला में कैसे किया जाता है? क्या गौ माता के साथ गले ही मिलना होता है या उसके आगे भी कुछ प्रोसीजर होता है? नहीं, गौशाला में जब मनाया जाता है तो गले भी तो मिलते ही है, गले मिलाते हैं, उसके साथ साथ उसको लोग खुद के हाथों से कुछ मिठाई खिलाते हैं, कुछ काट करते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, जो काटते हैं जो हाथ में से वो ऊर्जा मिलती है उनके जीभ से, जी जी वो भी एक अपनी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है अपने को। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। जय गौ माता। आप आज हम सभी लोग एक साथ काउ हग डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और मुझे आपसे जानना चाह रहा हूँ करीब करीब कितने साल से आपकी इस गौशाला में काउ हग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2021 से सीजी गौशाला में काउ हग डे का हमने आयोजन किया है। आयोजन करने का तात्पर्य हमारा एक ही है कि जैसे हमारी संस्कृति के विपरीत वैलेंटाइन डे हमारे युवाओं युवतियों मनाते हैं, जी हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि भाई हमारी संस्कृति है गौ संस्कृति, तो गौ संस्कृति हम क्यों न मनाए। हमारा फर्ज बनता है कि गौ संस्कृति काव हगडे ऐसा नाम देके हमने 2021 से ये प्रवृत्ति शुरू की है और हर साल पब्लिक इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जा रही है। लोगों की समझ में एक बात आ गई है कि हमारी संस्कृति के अनुरूप हमारे त्योहार होने चाहिए। जी, पश्चिमी संस्कृति के जो त्योहार हम मनाते हैं वो हमारे लिए ज्यादातर गलत है। हमें मनाने चाहिए भारतीय संस्कृति के त्योहार। जी, और हमारी गाय माता जो है उसके शरीर में, आगे भी मैंने बताया था, एक सूर्य केतु नाड़ी है। जी, सूर्य केतु नाड़ी सुबह जब सूर्योदय होता है तब एकदम प्रभावित होके वातावरण के जो 40 औषधीय तत्व है वो गाय अपने शरीर में खींच के अपने शरीर द्वारा मानव समुदाय को देती है। तो वो जो है, जो व्यक्ति गाय को हग करता है, गाय के पास रहता है, उसे दुनिया की कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं रहती। तो इतना जो गाय के शरीर का प्रभाव है हमारे शास्त्रकारों ने बताया है। जी, तो क्यों ना हम अपने लोगों को गौशाला में बुला के हमारा ही त्योहार काउ हगडे के नाम से न मनाए। हमारा फर्ज बनता है, बिल्कुल फर्ज बनता है हर एक लोगों का कि अपनी संस्कृति का त्योहार हम अलग तरीके से मनाए। गाय का एक अलग वैज्ञानिक महत्व पूरे विश्व ने अब प्रस्थापित किया है। हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो बात कही थी वो बात आज पूरा विश्व मान रहा है। विश्व ने, वैज्ञानिकों ने, विश्व के वैज्ञानिकों ने आज खुद प्रस्थापित किया है कि जो ऊर्जा गाय के शरीर में है वो अन्य किसी जीव में नहीं है। क्योंकि मानव शरीर की पॉजिटिव ऊर्जा 1 मीटर से ज्यादा नहीं जा सकती, लेकिन गाय के शरीर की सात्विक ऊर्जा 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक फैलती है। तो जो गाय के आसपास में रहता है उसके शरीर में इतनी पॉजिटिव शक्तियां भर जाती है कि उससे नेगेटिविटी से पूरी तरह से बचाती है। ये हमारे गाय माता का शरीर का एक महत्व है। बाकी तो सीजी गौशाला द्वारा पंच गव्य सारवार, जो गाय के 5 गवियों है, 5 गवियों के आधार पर पिछले 25 सालों से सीजी गौशाला मानव शरीर की चिकित्सा कर रही है। 7,65,000 से ज्यादा मरीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए हैं और क्रोनिक से क्रोनिक डिसीज भी गाय के पंचगव्य से बहुत अच्छे हुए हैं। ये गौ वरदान है। बहुत अच्छी बात कही है हमारे सीजी गौशाला के जो
संचालक हैं दास भाई, और सभी लोगों से निवेदन है कि इस पर तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आज गौ माता का इतना अच्छा त्योहार है। तो आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे दूर दूर से कितने शरणार्थी लोग आए हुए हैं, गाय के प्रति उनका प्रेम भाव बहुत साफ साफ झलकता है। तो आप देख सकते हैं गौशाला में कितना सुंदर नजारा है। तो आप सभी से निवेदन है इस मौके को कभी आप गंवाएं ना और ऐसे गौ माता के साथ समय बिताएं, अच्छे लोगों से संस्कार लें, विचार लें, अपना भाव बदलें। आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं और गाय के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं और इस सुंदर अवसर को कोई गंवाना नहीं चाहते हैं। ये देखिए गौरंग गौरंग गौ माता से प्यार करते हुए भैया बस गुरु। हाँ जी हाँ लियो कमे लियो कमे लियो। आप देख सकते हैं इस पहाड़े में बहुत सारी गौ माता हैं और हष्ट पुष्ट हैं, स्वास्थ्य भी इन सबका बहुत अच्छा है और सभी लोग इनके साथ समय बिताने बाबा के लिए आतुर हैं। हाल 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 है आ गए पाया होता है आ नहीं पाया होता तो यहाँ बेजा होता है बेजा में लेता हूँ। हाँ आज के समय में बहुत लोगों को समझ में आया है कि गाय के बिना ये जीवन और भारतवर्ष अधूरा है, तो ये एहसास सभी को है। तो इसलिए अभी सभी लोग देखिए कितने प्यार से गौ माता से गले मिल रहे हैं। चलो आप देख सकते हैं बोला भी बताए नवाज मत ये दास भाई हमारे श्री जी गौशाला में बहुत सारी महिलाएं बहने हैं जो उनका गोबर उठाने का, बाड़े की साफ सफाई करने का ये कार्य उनको दिया गया है। तो ये लोग सच्चे गौ भक्त हैं क्योंकि इनका 24 घंटा पूरा, एक दिन का पूरा 24 घंटा 365 दिन ये गौ माता के साथ ही बीतता है। तो आप देख सकते हैं ये सभी लोग अभी यहाँ पर आके गौ माता के साथ गले मिलने की कोशिश में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो श्री जी गौशाला में बहुत दूर दूर से गौ सेवक लोग आए हुए हैं और अपना भाव और विचार प्रकट करने के लिए, तो गायों के साथ समय बिता रहे हैं, काऊ हक डे मना रहे हैं, गाय के साथ गले मिल रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे अहमदाबाद शहर से करीब करीब 30 से 35 लोग बस में बैठकर यहाँ पर आए हैं और ये जो यहाँ पे जो सुंदर नज़ारा है आप देख सकते हैं गौशाला का। आगे चलते हैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे चारा हरा चारा गायों को दिया जा रहा है। तो आगे चल के गौशाला का दर्शन करते हैं और इस तरह से जब काम अच्छा हो, यहाँ पर होली का त्यौहार, दीपावली का त्यौहार, जन्माष्टमी का त्यौहार और काऊ हक डे, इस तरह से बहुत सारे त्यौहार यहाँ पे गौशाला में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं दूर दूर से लोग आए हुए हैं गाय के साथ समय बिताने के साथ साथ में उससे गले भी लग रहे हैं और हरा चारा भी अपने हाथों से खिलाकर पुण्य कमा रहे हैं। इस तरह से ही गायों के प्रति अपना भाव प्रकट करिए, विचार प्रकट करिए। आप देख सकते हैं गौ माता के दर्शन करिए इसमें, ये देखिए कितनी सुंदर गौ माता है। देख सकते हैं ये क्या सुंदर नजारा है, गायों को देखिए चारा खिलाते हुए। आप आ जाइए भाई हमारा फोटो भाई फोटो आओ क्या भाई ये पो वेंदे हाय आप ये देखिए यहाँ पे एक माता जी गौ माता को चारा हरा चारा खिलाते हुए।
ये गौशाला का सुंदर नजारा है, दूर दूर तक देखिए। यहाँ पर बैंकेट हॉल भी है जहाँ पे शादी पार्टी बर्थडे जो भी आप मनाते हैं अपने जीवन में उसके लिए हॉल बुक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हुजूम लगा हुआ है, अहमदाबाद से ये लोग आए हुए हैं गाय के साथ गले लगने के लिए और समय व्यतीत करने के लिए। आगे चलते हैं थोड़ा गौशाला का बाड़े के दृश्य को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। आज इस गौशाला में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यहाँ शादी भी है और काउ हगडे भी मनाया जा रहा है, तो इस तरह का अवसर किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। ये गौशाला के सामने गेट है। गौशाला में देखिए एक बाड़े हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए आवाज तो अलग है। कपिल स्वर्ण कपिला गोल्डन गाई छे कौन से गाई छे।